नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का जो पंजाब से सामने आ रही है। आपको बता दें, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पंजाब का दौरा था और ऐसे में पंजाब पहुंचने से पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वापस लौटना पड़ गया। जी हाँ, पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार यानी कि आज सड़क मार्ग से जाते समय एक फ्लाईओवर पर 15 से 20 मिनट तक उस वक्त फंस गए जब कुछ प्रदर्शनकारियों ने रास्ते को रोक दिया था। ऐसे केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी इस घटना को प्रधानमंत्री की सुरक्षा में गंभीर चूक करार दिया है। और इसी पर न्यूज रूम से ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर तिलक चावला जी जुड़ चुके हैं। तिलक जी, आज पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा था और ऐसे में वापस उन्हें लौटना पड़ गया क्योंकि सुरक्षा में गंभीर चूक बता दिया गया। बिल्कुल, देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक का जिक्र किया जा रहा है और ये खबर एनआई की आवाज से आ रही है। लेकिन ये बड़ी खबर इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर चर्चा इस बात की है कि देश के प्रधानमंत्री ने वापस लौटकर बठिंडा एयरपोर्ट पर ये तक कह दिया कि अपने मुख्यमंत्री को ये कह देना कि धन्यवाद उनका कि मैं जिंदा वापस जा रहा हूँ। और ऐसी स्थिति में खबरें आ रही है कि लगभग 15 मिनट तक देश के प्रधानमंत्री का काफिला फंसा रहा और फिरोजपुर में जाना था और जिस तरह से मौसम खराब था और ये 90 किलोमीटर का सफर था और पहले से ही अंदेशा था कि किसान जो है वो खुलकर अपनी नाराजगी का इजहार कर सकते हैं। और बताया जा रहा है कि रास्ते में जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि रास्ते में बकायदा प्रधानमंत्री का काफिला 15 मिनट तक फंसा रहा और ऐसी स्थिति में फंसा रहा कि जहां से निकलना ही देश के प्रधानमंत्री को मुनासिब समझा। और ऐसे में ये बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनने जा रहा है, इसका संकेत पहले ही मिल चुका था। और आज देश के प्रधानमंत्री को जिस तरह से पंजाब के दौरे पर जाना था लेकिन उसके ठीक दौरे पर पहुंचने से पहले की ये तस्वीरें अब सवाल खड़ा कर रही है। गृह मंत्रालय इस पूरे मामले को लेकर अपनी नाराजगी जता रहा है लेकिन जिस तरह से, क्योंकि पंजाब का मसला है पारुल, पंजाब का मतलब ये है कि कांग्रेस वहां पर सत्ता में है और कांग्रेस के सत्ता होने के साथ साथ एक और मसला काफी महत्वपूर्ण रहा जो पिछले 1-1.5 साल से मोदी सरकार के लिए दिक्कत का सबब बना हुआ था, किसान आंदोलन। और किसान आंदोलन के भीतर जिस तरह की नाराजगी थी और माना जा रहा है उसी नाराजगी का नतीजा ये रहा कि यहाँ पर जिस तरह से काफिले को रोका गया और बीच में जाम और प्रदर्शन हुए और उस पर देश के प्रधानमंत्री ने अपनी नाराजगी का इजहार किया है। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं वो बता रहे हैं कि सड़क पर जाने वाला जो रूट था उस रूट पर बकायदा जो है वहां प्रदर्शन कर रहे थे वो प्रदर्शनकारी और प्रधानमंत्री के काफिले को आगे नहीं बढ़ने दिया। और ये मसला जो है वो सीधे तौर पर राजनीतिक टूल पकड़ने वाला है और गृह मंत्रालय की तरफ से भी इस मामले को लेकर पुष्टि कर दी गई है। लेकिन एएनआई जो न्यूज एजेंसी है उसने सीधे तौर पर इसका जिक्र किया है और जिक्र में ये कहा है कि देश के प्रधानमंत्री ने जाते हुए बठिंडा एयरपोर्ट पर ये कहा है कि मुख्यमंत्री अपने सीएम को बोल देना कि मैं जिंदा वापस लौट रहा हूं, उनका धन्यवाद। यानी सीधे तौर पर जो मसला था सीधे सुरक्षा से जुड़ा हुआ, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा का एक अपना एक दायरा होता है, जिस रूट पर जाना होता है वहां पर उस रूट पर जो है पूरा हाई सिक्योरिटी जोन होता है और बकायदा 3 लेयर होती है सुरक्षा की। प्रवक्ता अलीला भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुकी हैं। अलीला जी, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिले को रास्ते से ही वापस लौटना पड़ा, सबसे पहले आपकी टिप्पणी चाहूंगी। चलिए ठीक है, संपर्क टूट गया है, तिलक जी आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। बिल्कुल, आपको खबरें आ रही हैं कि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया और पंजाब सरकार के मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया, पंजाब के मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया और खासतौर पर पंजाब एडमिनिस्ट्रेशन पर आरोप लगाया, पंजाब के प्रशासन पर आरोप लगाया। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि जो जवाब आ रहे हैं इन आरोपों पर, प्रत्यारोप हो रहा है, आरोपों का प्रत्यारोप ये हो रहा है कि कहा यह जा रहा है कि देश के प्रधानमंत्री की रैली फ्लॉप होने वाली थी और इस बात का जो डर था वो भाजपाइयों को था और खासतौर पर देश के प्रधानमंत्री को इस बात का पता चल गया था कि उनकी रैली में कोई भीड़ नहीं आ रही है, रैली ब्लॉक होने वाली है। इस वजह से देश के प्रधानमंत्री आधे रास्ते से वापस लौट गए और इसी बात की लेकर उन्होंने जो है बात का बतंगड़ बना रहे हैं कि इस तरह से उनके काफिले को रोका गया और प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे थे। अभी जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ है पारुल, उस लिहाज से ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि आने वाले वक्त में ये सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो बनने भी वाला है और खासतौर पर किसान आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में। जुड़ गई हैं अलीला जी, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर। जिस तरह से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले को रास्ते से ही वापस आना पड़ा, सबसे पहले आपकी टिप्पणी चाहूंगी। ये पूरी साजिश है,
पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, बिल्कुल साजिश है। हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं जब प्रधानमंत्री का कार्यक्रम लगता है पूरा रूट तय होता है, और एक नहीं ऑल्टरनेटिवली दो या तीन रूट तय होते हैं कि भाई एक रूट पे कुछ गड़बड़ हो जाए तो दूसरा हो तीसरा हो जी। और अगर किसी भी वजह से कोई भी कार्यक्रम में बदलाव आता है तो तुरंत जो एसपीजी है, सेंट्रल एजेंसीज है और लोकल पुलिस प्रशासन है, सब एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके एक दूसरे को जानकारी में रखते हैं। और यहाँ तो पहली बात तो मुख्यमंत्री ने कल ही बहाना बना लिया था कि मैं प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में इसलिए नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मेरे ऑफिस में दो लोगों को कोरोना हो गया। साजिश की बू यहाँ से शुरू होती है। फिर आज जब प्रधानमंत्री जी का काफिला रुक गया तो निरंतर उनसे फोन पर संपर्क करने का प्रयास कर रही थी एजेंसी और वो फोन पर ही नहीं आ रहे थे। तो ये तो प्रधानमंत्री की हत्या कराने की पूरी पूरी साजिश थी। ईश्वर की कृपा है कि वो बचकर आ गए, नहीं तो बिल्कुल। अनिला जी, आप बड़ा आरोप यहाँ पर लगा रही हैं कि प्रधानमंत्री की हत्या कराने की साजिश थी। बिल्कुल, आपने इंडिपेंडेंट इंडिया के किसी इतिहास में आपने देखा कि प्रधानमंत्री सिटिंग पीएम का काफिला जो है इतना 20 मिनट तक रुका रहे जी, क्योंकि वहां पर लोगों ने रास्ता ब्लॉक कर दिया। मेरी जानकारी में तो नहीं है इस प्रकार का कोई सिटिंग प्राइम मिनिस्टर का इस तरीके से काफिला रोक दिया जाए और मुख्यमंत्री जो है फोन पे ना आए। मैडम मेरा ऑडियो आ रहा है आपको? जी बताएं। मैडम अभी जो प्रतिक्रिया आ रही है कांग्रेस आरोप पर, जो आप लोगों ने आरोप लगाए उस पर प्रत्यारोप ही करी है। कांग्रेस का ये कहना है कि देश के प्रधानमंत्री इस बात को जान चुके थे कि उनकी रैली फ्लॉप होने वाली है और फ्लॉप रैली करने से अच्छा उन्होंने वापस जाना ठीक समझा। ये बेहद बचकाना एक्सक्यूज है, बेहद बचकाना एक्सक्यूज है। मैं ये कहती हूँ कि नेता के को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो चार लोग भी वहां पर होते, पहली बात तो मैं बताऊं प्रधानमंत्री जी के नाम पर हजारों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। और यही घबराहट कांग्रेस की रही है कि भैया रैली हो रही है, बढ़िया हो रही है, ये मौका अच्छा है, इनको फंसाओ, कोई जो साजिश रची जा रही होगी इनकी हत्या की, ये कामयाब कराओ। तो ये तो वो कांग्रेस पार्टी है जिनके खुद दो नेताओं का पॉलिटिकल असैसिनेशन हुआ है और इस प्रकार की हरकतें ये लोग कर रहे हैं, तो ये तो बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और सरहद के पार से कौन इनको इंस्ट्रक्शंस दे रहा है कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री को, ये सब साफ होकर सामने, पब्लिक के सामने आना बहुत बहुत जरूरी है। आप ये कह रहे हैं कि तो इंटेलिजेंस इनपुट भी तो होंगी गृह मंत्रालय के पास कि इस तरह का प्रदर्शन होने वाला है, क्या मंत्रालय के पास जी ने, हालांकि अपना पक्ष उन्होंने रखा बिल्कुल और उन्होंने साफ तौर पर कांग्रेस पर ही आरोप लगाया कि हत्या की साजिश यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गई थी और इसीलिए इस तरह की पूरी कहानी गढ़ी गई। और तिलक जी कहीं ना कहीं देखिए, अलीला जी ने सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह की गई कि पहले से ही इसको सोची समझी साजिश करार दिया था, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कार्यक्रम में पंजाब के सीएम चन्नी भी शामिल होने वाले थे, लेकिन सुबह ये खबर आई, ये जानकारी मिली कि सीएम ने ये कहा है कि उनके कार्यालय में दो लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, इसीलिए वो वर्चुअल तौर पर कार्यक्रम में जुड़ेंगे। अलीला जी ये कह रही थी, जो बीजेपी प्रवक्ता थी, कि तभी से पूरी की पूरी साजिश रची जा रही थी पहले से। इंटेलिजेंस इनपुट अगर थे तो पीएम जिस रास्ते से रूट से जा रहे थे तो वहां पर सिक्योरिटी क्यों नहीं रखी गई, यानी कि कहीं ना कहीं चूक तो हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं, और प्रशासन की तरफ से हुई है या फिर गृह मंत्रालय के पास इनपुट थे या कोऑर्डिनेशन में कमी हुई है, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जिस रास्ते से जाते हैं वो रूट पहले से तय होता है, इंटेलिजेंस इनपुट होते हैं, 15-20 मिनट पहले उस रूट को खाली करवा लिया जाता है और लगभग आधे आधे घंटे तक वो रूट खाली रहता है, खाली करवा लिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में वहां पर प्रदर्शन हो रहे थे, पीएम उसी रूट से जा रहे थे और उसी रूट पर आधे घंटे तक या 20 मिनट तक, 15 मिनट तक प्रधानमंत्री का काफिला रुका रहता है, तो अपने आप में कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं। सवाल दोनों तरफ से खड़े होते हैं, जहां पर केंद्र सरकार है, जहां पर गृह मंत्रालय है जिसके पास इंटेलिजेंस इनपुट होते हैं, और दूसरा जो है वो राज्य प्रशासन की तरफ से, क्योंकि यहाँ पर जिम्मेदारी कहीं ना कहीं प्रशासन की है और ऐसी स्थिति में वो अपनी जिम्मेदारी को निभा पाया नहीं निभा पाया,
क्या जिस रूट से देश के प्रधानमंत्री को जाना था क्या वो पहले से तय नहीं था, और तय था तो वहां पर प्रदर्शनकारी कैसे पहुंच गए? ये अपने आप में तमाम सवाल है पारुल, लेकिन इतना जरूर है कि अगर इस पूरी पृष्ठभूमि के पीछे के परिपेक्ष को देखें और समझे, इतिहास के पन्नों को पलटे, तो पंजाब इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि किसान आंदोलन की आज सीधे तौर पर पंजाब की सियासत में छाई रही, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो या फिर अब पंजाब हो, पंजाब हमेशा से ही जो है वो जिस तरह से राजनीतिक पृष्ठभूमि का इतिहास जा रहा है, क्या चाहे वो इंदिरा गांधी का दौर हो। सवित मलिक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सवित जी, जब आपकी सारी मांगे केंद्र सरकार की तरफ से मान ली गई थी, नाराजगी खत्म हो गई थी, तो फिर आज ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन के अवसर पर क्यों इस तरह का प्रदर्शन किया जा रहा था पंजाब में? नहीं, अभी हमारी मांगे पूरी नहीं हुई, जो इन्होंने कहा था कोई वादा पूरा नहीं हुआ, ना MSP पर गारंटी बनी, ना किसानों के मुकदमे वापस हुए, ना मुआवजे पर बात हुई, ना केंद्रीय गृह मंत्री को सस्पेंड किया गया, और ये वही किसान हैं जिनको प्रधानमंत्री ने दिल्ली में नहीं घुसने दिया था जी, तो आज उन्होंने पंजाब में नहीं घुसने दिया। तो ये तो इनको सोचना चाहिए कि आपने जो झूठे वादे किए थे वो पूरे नहीं किए, उसी का नतीजा है। आपको लगता है कि यहाँ पर किसानों को मोहरा बनाया जा रहा है, राजनीतिक मोहरा, आप लोगों का राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है और आप उस एजेंडे पर काम कर रहे हैं? अगर देश के प्रधानमंत्री रैली करना चाह रहे थे तो आपने उन्हें रोका क्यों? सवाल फिर यहाँ पर ये खड़ा होता है मलिक साहब। तिलक जी, जो इन्होंने हमसे वादे किए थे वो कोई वादा पूरा नहीं किया, उसी का नतीजा है, और ये वही प्रधानमंत्री है जिन्होंने किसानों को दिल्ली में नहीं घुसने दिया था, तो आज पंजाब के लोगों ने नहीं घुसने दिया, और इनको जाने से पहले MSP की गारंटी देनी चाहिए। पंजाब हमने घुसने नहीं दिया पंजाब में क्योंकि उन्होंने हमें दिल्ली में नहीं घुसने दिया, लेकिन विवाद तो वही खत्म हो गया था ना, आप अपने घर को लौट आए थे और सरकार ने यह कहा कि हमने तीनों कानून वापस ले लिए, और अब आप कह रहे हैं कि हमने इसलिए नहीं घुसने दिया क्योंकि जो है आपने हमें दिल्ली में नहीं घुसने दिया था। इन्होंने हमारे घर में एक सांप छोड़ा और पकड़ लिया, हमको क्या फायदा मिलना, किसान को क्या दिया इन्होंने? किसान के परिवार के तो 700 कुछ लोग शहीद हो गए, उनके लिए क्या किया इन्होंने? MSP पे क्या किया, मुकदमों पे क्या किया, बिजली अधिनियम पे क्या किया, वो सारी चीजें मायने रखती है ना, किसान की सुनी कहा इन्होंने अभी तक? विरोध को लेकर जो जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, मलिक साहब आप इसे जायज मानते? नहीं, किसानों ने उनका रास्ता नहीं रोका है, वो अपने किसी उत्साह है, किसान अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध जताना ये कानूनी अधिकार है और किसान अपना विरोध हमेशा जताता रहेगा। मलिक साहब जी, आपको लगता है सुरक्षा में चूक है, देश के प्रधानमंत्री हैं? नहीं, सुरक्षा में चूक उसमें देश की एजेंसियां लगी होती है, वो SPG के हाथ में पूरा उनका होता है मामला, तो किसान को सुरक्षा में कहाँ कुछ कर रहे हैं, वो तो उनकी सुरक्षा में जो कर रहे हैं लोग उनकी कमी है, उनको पहले पता होना चाहिए कहाँ आंदोलन हो रहा है, कहाँ रास्ते ब्लॉक है, कहाँ क्या है, ये इसमें किसानों का क्या, किसान तो अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे हासिल क्या होगा, इस तरह के प्रदर्शन से क्या हासिल होगा? नहीं, एक बात बताइए, लगातार 13 महीने दिल्ली में बैठे रहे, इन्होंने खाली हाथ किसान को भेज दिया, अगर वहां जाएंगे वहां भी प्रदर्शन नहीं करेंगे तो कैसे होगा? किसान को अपने अधिकार की लड़ाई की लड़ने के लिए तो आंदोलन करना ही पड़ेगा ना, और ये नहीं है कि मोदी के खिलाफ ही हो रहा है, वहाँ पर तो जो पंजाब की सरकार है उसके खिलाफ भी आंदोलन करना। मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ कि प्रदर्शन करना आपका अधिकार है, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही है और पंजाब के परिप्रेक्ष्य आप भी जानते हैं, पंजाब का इतिहास भी जुड़ा है, जहाँ पर सवाल ये खड़े होते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं? नहीं, ये आंदोलन सब शांतिपूर्वक है, और ये नहीं है कि ये मोदी के और BJP के खिलाफ है, जो वहाँ पर लोकल मुद्दे हैं, वहाँ पर कांग्रेस की सरकार है और मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी है, उनके खिलाफ भी लगातार प्रदर्शन चल रहा है, किसान हितों में जो भी आगे आएगा वो ना राजनीतिक पार्टी देखी जाएगी ना आदमी देखा जाएगा, अपनी मांगे मनवाने के लिए हर स्तर पर शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन किया जाएगा। ये शांतिपूर्ण आंदोलन नहीं हो रहा था ना, अगर ये तस्वीरें वाकई में किसान नेता है या किसान प्रदर्शन कर रहे थे तो फिर आपको लगता कि ये आंदोलन फिर भटकता हुआ दिखाई दे रहा है? भले ही वो आंदोलन आप लोगों ने कहा कि हमने स्थगित किया है, हमने खत्म नहीं किया, चाहे जो भी तस्वीरें आ रही है,
नहीं, किसानों की तरफ से कहीं कुछ नहीं हुआ। किसानों को जरूर नक्सली, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकवादी कहा गया है, लेकिन किसानों की तरफ से कोई भी ऐसी चीज नहीं की गई है कि जिससे आंदोलन को हिंसक कहा जाता है। नहीं, मलिक साहब बदला ले रहे हैं जी? आप बदला ले रहे हैं? नहीं, बदला नहीं ले रहे हैं। उनको जो यहाँ पर नहीं मिले, यहाँ छुप के बैठे रहे अपने घरों में और हम इंतजार करते रहे, वो हमारे पास आए हैं तो उनके सामने अपना विरोध तो हम जताएंगे ना, अपनी बात तो कहने का अधिकार है हमको। इससे कहीं ना कहीं एक यही चीज नजर आ रही है कि किसान जब दिल्ली से लौटे थे तो मांगे जो उनकी थी कहीं ना कहीं मान के ही वो लौटे थे, और सहमति दोनों पक्षों में जब हो गई थी तब अपने अपने घर वो लौटे थे, लेकिन उसके बाद भी जब इस तरह की तस्वीर नजर आती है तो कहीं ना कहीं यही लगता है कि किसान आखिर चाहते क्या है, क्योंकि पहले से जो प्रदर्शन कर रहे थे वो कौन थे अभी तक ये स्थिति साफ नहीं हुई है, और साफ तौर पर जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं ये बात यहाँ पर जरूर खड़ी होती है कि इंटेलिजेंस इनपुट था नहीं पहले क्या इससे पहले, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री अगर अगर मुख्यमंत्री भी जिस रास्ते से जाते हैं चाहे वो किसी भी राज्य के हो, वो रूट पहले से तय होता है, चाहे वो राष्ट्रपति हो रूट पहले से तय होता है, कितने बजे आएंगे, कितने बजे जाएंगे, कितने मिनट पर पहुंचेंगे, कितने मिनट पर निकलेंगे, वो सब रूप तय होता है, वो पहले से ही इनपुट होते हैं, तो फिर ये गलती और चूक कहां हुई है? और प्रशासन के लिहाज से चाहे वो गृह मंत्रालय के लिहाज से क्या इंटेलिजेंस इनपुट पे चूक है, तो फिर ये चूक अपने आप में फिर से सवाल चलेगा। ये कि चूक आखिर कहां हुई है, आपका तिलक जी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कहीं ना कहीं अब ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्रालय से रिपोर्ट इस मामले को लेकर मांगी गई है, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि आखिर इस पूरे मामले में जिम्मेदार कौन है और इतनी बड़ी सुरक्षा में चूक हुई तो हुई कैसे। फिलहाल के लिए बस इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।